बिग बॉस 18 के विनर और फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से विवादों में हैं। मुनव्वर फारूकी पर महाराष्ट्र के कोंकणी समुदाय के लोगों के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिस वजह से कोंकणी समुदाय मुनव्वर का जमकर विरोध कर रहा है। कॉमेडियन को चेतावनी दे दी गई है कि वो अपने अपशब्दों के लिए जल्द से जल्द माफी मांगे, वरना उन्हें रौंद दिया जाएगा। पूरे विवाद के बाद अब मुनव्वर ने आखिर अपने शब्दों के लिए माफी मांग ली है। दरअसल मामला ये था कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर ने पिछले हफ्ते एक शो किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकणी समुदाय पर एक टिप्पणी की और अपशब्द का प्रयोग किया था। कोंकणी समुदाय के लिए मुनव्वर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर विवाद हो गया और मुनव्वर पर कोंकणी समुदाय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बात यही नहीं रुकी, अब इस मामले ने फिर एक राजनीतिक मोड़ भी लिया। दरअसल शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के नेता, विधायक और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी सदा सरवणकर के बेटे समाधान सरवणकर, जो खुद भी एक पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि जो भी मुनव्वर की पिटाई करेगा उसको 1,00,000 रुपए का इनाम देंगे। समाधान सरवणकर ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी प्रेमी मुनव्वर ने अगर कोंकणी लोगों से माफी नहीं मांगी तो वो जहां दिखेगा उसकी पिटाई करेंगे और जो इसको पीटेगा उसे वो 1,00,000 रुपए का इनाम भी देंगे। वहीं अब दूसरी ओर बीजेपी नेता नीतीश राणे का भी मुनव्वर पर गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने मुनव्वर पर भड़कते हुए कहा कि तुम जैसे हरे सांप को पाकिस्तान भेजने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये कोंकण लोगों के लिए अब शब्द कह रहा है, अगर माफी नहीं मांगी तो पाकिस्तान भेजने में बिल्कुल भी हम वक्त नहीं लगाएंगे। इस पूरे विवाद के बाद मुनव्वर ने एक वीडियो शेयर करके अपने अपशब्दों के लिए माफी मांगी है। मुनव्वर ने कहा कि कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था जिसमें क्राउड वर्क हुआ था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था और उस दौरान कोंकण को लेकर बात निकली, लेकिन उसको थोड़ा गलत समझा गया। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने कोंकणी समुदाय के बारे में कुछ गलत बोला है, उनका मजाक उड़ाया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था, वो क्राउड वर्क था और बातचीत में मेरे मुंह से वो चीज निकली, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोगों का दिल दुखा है, मेरा काम हंसाना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी का भी दिल दुखे। मैं दिल से माफी मांगना चाहूंगा, जिनको भी बुरा लगा उनको सॉरी। उस शो पर भी सभी लोग थे, मराठी थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, लेकिन जब इंटरनेट पर इस तरह की चीजें सामने आती है तो पता चलता है। मेरा किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं था, मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार मुनव्वर के जोक्स पर विवाद हो चुका है। साल 2021 में मुनव्वर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगा था। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर विवादित कमेंट किया और उन्हें इसके लिए जेल भी जाना पड़ा था। वैसे तो मुनव्वर फारूकी की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि मुनव्वर अपने जोक्स और अपने विवादित बयान के कारण हमेशा विवादों में रहे हैं और कई बार इसके कारण उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन हालांकि इस मामले पर मुनव्वर ने माफी मांग ली है और अब ये मामला शायद खत्म होता दिख रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।